नमस्कार, मैं शिखर दीप और आप देख रहे हैं GPN24। बालोद पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जितेंद्र कुमार यादव के निर्देशन पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार नायक के मार्गदर्शन में यातायात प्रभारी दिलेश्वर चंद्रवंशी के नेतृत्व में यातायात पुलिस बालोद एवं समस्त थाना प्रभारी जिला बालोद के द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने व लापरवाह वाहन चालकों के विरुद्ध विशेष मोटर यान चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आई है। बालोद जिला में जनवरी माह से जुलाई माह तक विगत 7 महीनों में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने, जिले में यातायात व्यवस्था के सुगम, सुरक्षित एवं सुचारू रूप से संचालन हेतु लगातार अभियान चलाकर यातायात नियमों के उल्लंघन करने वाले लापरवाह वाहन चालकों पर सख्ती से कार्रवाई कर जुर्माना किया जा चुका है। इसे माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। वहीं कुछ वाहन चालकों को अर्थदंड से दंडित भी किया गया है। बालोद पुलिस द्वारा जिले में लगातार जागरूकता अभियान चलाकर सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति आम जनों को जागरूक करने का प्रयास भी किया जा रहा है। परिवहन विभाग के संयुक्त टीम के द्वारा स्कूली वाहनों के चालक व परिचालक का स्वास्थ्य एवं नेत्र परीक्षण भी किया गया। यातायात विभाग द्वारा अब तक 120 जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए हैं, जिसमें नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोग लाभान्वित हुए। जिले में चलाए जा रहे जागरूकता कार्यक्रमों में महिला कमांडो के साथ मिलकर पिंक वाहन चेकिंग, गुलाब फूल भेंट कार्यक्रम, नंबर प्लेट लगवाने के अभियान, स्कूल बस चेकिंग, रेडियो रिफ्लेक्टर टेप लगाने का अभियान, पशुओं को सड़क से हटाकर गौशाला पहुंचाने का अभियान एवं स्कूली छात्र छात्राओं के साथ सड़क सुरक्षा के विषय में जागरूकता कार्यक्रम जैसे विभिन्न गतिविधियां शामिल हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें GPN24। ये है जेनेसिस मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं GPN24 न्यूज़।